हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी बनाने वाले हैं एक्सेक्ट क्वाडकॉप्टर ड्रोन। ये क्वाडकॉप्टर फ्रेम में एक ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन होने वाला है। मीन्स यहाँ पे हम 8 मोटर्स का यूज करने वाले हैं अपने क्वाडकॉप्टर फ्रेम में। इस ड्रोन को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर का। ये ड्रोन हमें काफ़ी हाई स्पीड और स्टेबल फ्लाइट ऑफर करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 8 1000 KV की ब्रशेस मोटर, 30 एम्पेयर के RTSC, APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर, GPS मॉड्यूल M7N, 5200 AMAH 11.1 वोल्ट 35C लिपो बैटरी, फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर, फ्लाई स्काई i6V रिसीवर, 6 चैनल रिसीवर है। तो यहाँ पे हमें इस ड्रोन को बनाने के लिए पहले हमें खुद से फ्रेम डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप चाहें तो मार्केट से ही फ्रेम परचेस कर सकते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देने के लिए, चूंकि हमारी मोटर्स नीचे की तरफ भी लगेंगी, इसलिए हमने यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देने के लिए लैंडिंग एयर्स को लगाया है। इन लैंडिंग एयर्स की मदद से हमें काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल गया है। इन फ्रेम के आर्म्स पर हम मोटर को फिक्स करने वाले हैं। ये फ्रेम हमने खुद होम पर डिज़ाइन किया है और ये एक 500 mm का फ्रेम है। इस फ्रेम को आप भी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी भी वुड वर्कर से डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब हमें मोटर क्लैंप पे अपने मोटर को फिक्स कर देना है। ये मोटर क्लैंप हमारे मोटर के साथ ही आता है और साथ में स्क्रूज भी आते हैं। यहाँ पे हमने मोटर क्लैंप पे मोटर को फिक्स कर दिया है। इन मोटर्स को हमें कुछ इस तरीके से 2 स्क्रूज की मदद से आर्म पे फिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी दोनों मोटर को, एक अपसाइड डाउन और एक सीधी मोटर को, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने सभी 8 मोटर्स को फिक्स कर दिया है अपने 4 आर्म्स पर। कुछ इस तरीके से आपको मोटर को फिक्स कर देना है। ये हमारे ESC का वायर है। रेड वायर हमारा पॉजिटिव में सोल्डर होगा और ब्लैक वायर हमारा नेगेटिव में सोल्डर होगा। सोल्डरिंग करने के लिए हमें टी कनेक्टर को कट कर लेना है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का अपने ड्रोन को पावर देने के लिए। इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की मदद से सभी ESCs को पावर सप्लाई होगी। यहाँ पे हमने एक XT60 कनेक्टर को सोल्डर कर दिया है, जिसमें हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, और बाकी सभी 8 ESC को सोल्डर कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे आपको मोटर और ESC कनेक्शन करना है। तो जब आपको क्लॉकवाइज मोटर डायरेक्शन चाहिए हो तो आपको मोटर और ESC का कनेक्शन सीधा सीधा कर देना है। जब आपको एंटी क्लॉकवाइज मोटर डायरेक्शन चाहिए हो तो आपको मोटर और ESC के कनेक्शन में रेड और ब्लैक वायर के कनेक्शन को क्रॉस कर देना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपके येलो वायर का कनेक्शन मोटर के हमेशा ESC के बीच वाले वायर के साथ ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कौन सी मोटर क्लॉकवाइज है, कौन सी मोटर एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे मोटर लेआउट में मोटर नंबर और मोटर डायरेक्शन भी मार्क किया हुआ है। तो इसी के अनुसार आपको देखना है कि आपकी कौन सी मोटर क्लॉकवाइज है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है, और उसी के अनुसार आपको डायग्राम को देखते हुए इन सभी मोटर्स और ESC के कनेक्शंस को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे हमें कनेक्शंस को कुछ इस तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने अपने सभी मोटर और ESC के कनेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपर प्लेट फिक्स करनी है। इस प्लेट के ऊपर हम फिक्स करेंगे अपना APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर। इस APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर को हमने एंटी वाइब्रेशन पैड पे फिक्स कर लिया है। फ्लाइट कंट्रोलर का फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे ड्रोन के फॉरवर्ड डायरेक्शन से मैच करना चाहिए। मतलब जो फ्लाइट कंट्रोलर का फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, वही हमारे ड्रोन का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे हमें अपने रिसीवर को भी फिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने एक GPS स्टैंड को फिक्स कर दिया है, जिसमें कि हम अपना GPS यूज करेंगे। यहाँ पे GPS स्टैंड मैंडेटरी है। येलो वायर सिग्नल के लिए है, रेड वायर पॉजिटिव के लिए है, और ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए है, या फिर आपके में वाइट वायर होगी तो वो सिग्नल के लिए है। तो यहाँ पे हमें सिग्नल का पिन सिग्नल की तरफ ही रखना है। ये हमारी वो वायर है जो जाके हमारे आउटपुट से कनेक्ट होगी। यहाँ पे आप मोटर लेआउट देख सकते हैं, कौन सा मोटर नंबर 1, मोटर नंबर 2, मोटर नंबर 3, मोटर नंबर 4 एंड वॉइस वर्सा कौन सी मोटर कौन से नंबर की हैं। इसी के अनुसार आपको मोटर के ESC का वायर्स का जो ESC का जो वायर है उसका आउटपुट्स में कनेक्शन करना है। यदि आपका ये मोटर नंबर या फिर मोटर लेआउट गलत हो जाता है, आप कनेक्शंस में गड़बड़ी कर देते हैं, तो आपका ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम अपने कनेक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिग्नल पोर्ट ऊपर की तरफ है, इसलिए हम येलो या फिर वाइट वायर को ऊपर की तरफ रख रहे हैं। अब हमें इनपुट्स का कनेक्शन करना है अपने रिसीवर के साथ।
तो इनपुट्स की पिन को हम कनेक्ट कर देंगे अपने रिसीवर के साथ। सिग्नल इनपुट्स में ऊपर की तरफ है और सिग्नल हमारे रिसीवर में भी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे हमने रिसीवर और इनपुट्स के कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। अब हम अपने GPS मॉड्यूल को फिक्स करेंगे अपने GPS स्टैंड पर। GPS स्टैंड जरूरी है, अदरवाइज आपको GPS सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम GPS की एक पिन को GPS पोर्ट पर और दूसरी पिन को I2C मीन्स एक्सटर्नल कंपास के पोर्ट पर अटैच कर देंगे। अब हमें करनी है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप और एक USB केबल का। USB केबल के एक एंड को हमारे लैपटॉप के साथ अटैच कर देना है और USB केबल के दूसरे एंड को हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ अटैच कर देना है। हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के रीसेट बटन पर प्रेस कर देना है जिससे कि हमारा पुराना डाटा इरेज हो जाए। यहाँ पे हम इसकी सेटअप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं मिशन प्लान सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे हमें अपने मिशन प्लान सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और एप्लीकेशन पर जाना है। आप इस यदि आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हमें जाना है इंस्टॉल फर्मवेयर पे। यदि आपको अपना पोर्ट नहीं पता तो आप पोर्टो रख सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सेट क्वाड ऑक्टा बना रहे हैं तो हमें एक्सेट क्वाड ऑक्टा का ही फर्मवेयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे यस कर देना है। दिस बोर्ड हैज बीन रिटायर्ड का मैसेज आएगा तो ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ चालू रखना है। ये इंटरनेट से डाउनलोड होगा, देन अपलोड होगा, देन वेरीफाई होगा। यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था इसलिए हमने बीच के पार्ट को स्किप कर दिया है। यहाँ पे हमारा डन हो चुका है। अब हमें कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमारे सारे पैरामीटर्स को लोड करते हुए यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जब आप फर्मवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको कनेक्ट नहीं किए रहना है, मीन्स आपको फिजिकली कनेक्ट किए रहना है और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको नहीं कनेक्ट किए रहना है। यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें जाना है अपने मैंडेटरी हार्डवेयर पे। सबसे पहले हमें अपने फ्रेम टाइप को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा एक्स टाइप है फ्रेम टाइप, इसलिए हम यहाँ पे एक्स टाइप पे आएंगे और यहाँ पे हमारा एक्सेट का फ्रेम दिख गया। तो यहाँ पे हमें एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन पे चलना है। अब हमें व्हीकल को लेवल पे रखना है और कैलिब्रेट कर देना है। उसके बाद व्हीकल को लेफ्ट की तरफ रखना है और कैलिब्रेट कर देना है। यहाँ पे याद रखिए आपके फ्लाइट कंट्रोलर का फॉरवर्ड डायरेक्शन सामने की तरफ होना चाहिए। अब हमें अपने व्हीकल को राइट की तरफ रखना है और कैलिब्रेट कर देना है। अब हमारे व्हीकल की नोज डाउन रखना है और कैलिब्रेट कर देना है। अब हमारे व्हीकल की नोज अप रखना है और कैलिब्रेट कर देना है। यहाँ पे इन सभी कैलिब्रेशंस को हमें अच्छे तरीके से करना है। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे ड्रोन को बेस्ट फ्लाई करने में मदद करती हैं। अब हमें यहाँ पे पूरा उल्टा कर देना है और कैलिब्रेट कर देना है। अब वापस से हमें इसे लेवल पे रख देना है और कैलिब्रेट लेवल पे क्लिक कर देना है। अब हमें करना है कंपास कैलिब्रेशन। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल कंपास माउंट कर रखा है, मतलब हमने GPS लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सटर्नल कंपास पे क्लिक करके इसे सभी XY और Z एक्सिस पर मूव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें मूव करना है। यहाँ पे मैं USB केबल का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए USB केबल इतने बड़े फ्रेम में बीच बीच में फंस रही है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमें कुछ उसी तरीके से अपने फ्रेम को रोटेट करना है और यहाँ पे हमारे ऑफसेट्स आ चुके हैं। यहाँ पे ऑटो एक्सेप्ट ऑन रखना है तभी हमारे ऑफसेट्स अपने से आएंगे। यहाँ पे अपने को मैनुअली ऑफसेट्स नहीं डालने हैं। अब हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमें चलना है अपने रेडियो कैलिब्रेशन पे। तो उसके लिए आपको अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर देना है और कैलिब्रेट रेडियो पे क्लिक कर देना है। अब हमें अपनी सारी स्टिक्स को मैक्सिमम एक्सटेंड तक मूव करना है। इससे हमारी सारी स्टिक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब हमें टोटल को डाउन पे रख के क्लिक वेन डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके कर देना है और हमारे यहाँ पे कैलिब्रेशन की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें चलना है अपने फ्लाइट मोड सेटअप पर। तो यहाँ पे हम फ्लाइट मोड्स को कंट्रोल करने वाले हैं अपने ट्रांसमीटर की स्विच सी की मदद से।
तो यहाँ पे हम पहला फ्लाइट मोड रखने वाले हैं स्टेबलाइज, और यहाँ पे हम चौथा फ्लाइट मोड रखने वाले हैं लोएटर, और अपना यहाँ पे छठवां फ्लाइट मोड रखने वाले हैं हम RTL मीन्स रिटर्न टू लॉन्च, क्योंकि हमने GPS यूज किया इसलिए यहाँ पे हम लोएटर और RTL का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चाहें तो इनेबल्ड इज ऑलवेज लैंड या फिर इनेबल्ड इज ऑलवेज RTL रख सकते हैं। जब हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस हो जाएगा हमारे ड्रोन के साथ तब ये अपने आप लैंड हो जाएगा, या फिर आप RTL रखते हैं तो रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है और करना है ICC कैलिब्रेशन। तो उसके लिए आपको अपने ट्रांसमीटर को ऑन करने के बाद थ्रोटल को फुल पे रख देना है, उसके बाद बैटरी को कनेक्ट करना है, और 1 नॉर्मल वेव के बाद आपको बैटरी को डिसकनेक्ट कर देना है। देन अगेन से आपको बैटरी कनेक्ट करना है, देन 2 बीप्स के बाद थ्रोटल को डाउन करना है, देन 3 बीप एंड 1 फाइनल बीप के बाद आपका थ्रोटल ESC कैलिब्रेशन हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मोटर्स रोटेट करना शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे आपको मोटर्स का डायरेक्शन चेक कर लेना है। यदि आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी मोटर्स का डायरेक्शन और काउंटिंग यहीं से सही होना चाहिए, मतलब आपकी पहली मोटर का डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज, दूसरे का क्लॉकवाइज एंड वॉइस वर्सा जिस तरीके से यहाँ पे मोटर लेआउट में दिखाया हुआ है उसी तरीके से डायरेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आपका ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। यदि आपके मोटर्स का डायरेक्शन इस डायग्राम में दिखाए हुए डायरेक्शन के अनुसार नहीं है तो आपको अपने मोटर और ESC के कनेक्शन में रेड और ब्लैक वायर के कनेक्शन को इंटरचेंज कर देना है, उससे आपका मोटर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मतलब अभी क्लॉकवाइज था तो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लॉकवाइज प्रॉपलर को क्लॉकवाइज मोटर में अटैच कर देंगे सीधे तरीके से, मतलब हमारी जो ऊपर की मोटर हैं उन पे हमें अपने प्रॉपलर्स को, ये हमारा क्लॉकवाइज प्रॉपलर है, उन पे हमें प्रॉपलर्स को सही तरीके से, मतलब जिस तरीके से हम नॉर्मली प्रॉपलर को अटैच करते हैं तो अटैच कर देंगे। ऊपर हमारी दो क्लॉकवाइज मोटर है, दो एंटी क्लॉकवाइज मोटर है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज मोटर का डेमो दिया है और नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोटर का डेमो दिया है। तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोटर है, तो इसे हम नीचे की तरफ लगाना है क्योंकि हमारे क्लॉकवाइज मोटर के नीचे एंटी क्लॉकवाइज मोटर ही है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से लगाना है कि हमारा प्रोपेलर तो सीधा रहे, बस हमारा प्रोपेलर माउंट टेढ़ा रहे जिससे कि अच्छे तरीके से हमारे मोटर पे माउंट किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रोन फ्लाई करने के लिए रेडी है, और यहाँ पे हमारे सारे सेटअप कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने टेस्टिंग राउंड पे, अपने ड्रोन को टेस्ट करने के लिए आखिर इसकी फ्लाइट हमें कैसी मिलती है। तो आपको ट्रांसमीटर को ऑन कर देना है, बैटरी को कनेक्ट कर देना है, थ्रोटल को लेफ्ट की तरफ पुश करके हमें अपने ड्रोन को आर्म कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम थ्रोटल को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ड्रोन फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, फिर भी हमें काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। बस ये ड्रोन का फ्रेम थोड़ा ज़्यादा हैवी है क्योंकि यहाँ पे मैंने वुड का यूज किया है, आप चाहें तो एल्युमिनियम रॉड का यूज कर सकते हैं। चूँकि मेरे एरिया में मेरे को एल्युमिनियम रॉड नहीं मिली इसलिए मजबूरी में मुझे वुड का यूज करना पड़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।